भारत में आज टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हो रहा है, जिसमें 18 साल से अधिक आयु वाले लोगों को भी टीका लगना है। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या व्यवस्था है, इसका नज़ारा हम कराते हैं। सबसे पहले ये जो केंद्र है, ये 45 साल से अधिक आयु वालों के लिए बनाया गया टीकाकरण केंद्र है। ये केंद्र के द्वारा संचालित टीकाकरण केंद्र में लगातार लोग भी आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर अभी एक लोग टीकाकरण के लिए पहुँचे। बताइए आंटी जी, क्या नाम है? प्रतिमा चटर्जी। आप टीकाकरण के पहले डोज के लिए आए? नहीं, दूसरा डोज के लिए आए। आसानी है, व्यवस्था है यहाँ लग रहा है? हाँ, ठीक है। तो ये 45 साल से अधिक आयु वालों के लिए टीकाकरण केंद्र है, जो केंद्र के द्वारा संचालित किया जा रहा है। मेरे बाईं ओर आप देख पा रहे होंगे कि ये एक आंगनबाड़ी है, और यहाँ पर अब राज्य सरकार ने 18 साल से अधिक आयु वालों के लिए टीकाकरण केंद्र बनाया है, लेकिन कोई सूचना नहीं है। एक जो सरकारी लिस्ट है उसमें इस केंद्र का जिक्र ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर कोई व्यक्ति बताने वाला नहीं है। ये अंदर का नज़ारा देखिए, कोई तैयारी नहीं है। वैक्सीन हालांकि पहुँचने की बात राज्य सरकार द्वारा कही गई है, लेकिन अभी तक करीब 12 बज चुके हैं और इस पूरे केंद्र में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है, ना ही कोई सूचना चस्पा की गई है। तो इस तरीके की तैयारियों के साथ 2 बजे राज्य सरकार का जो टीकाकरण केंद्र है उसमें टीका लगाने की तैयारी है। तो फिलहाल स्थिति यही है कि यहाँ पर अभी तक कोई नहीं पहुँचा है, ना ही कोई जानकारी देने वाला भी मौजूद है, जिससे आप समझ सकते हैं कि राज्य सरकार का ये जो अभियान है टीकाकरण का 18 साल से अधिक आयु वालों के लिए, उसकी कितनी तैयारी है और वो कितना सफल हो पाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि 2 बजे एक बार और यहाँ हम चेक करेंगे और जानेंगे कि क्या यहाँ पर केंद्र में टीकाकरण शुरू हो पाता है। लेकिन फिलहाल की स्थिति में ये है कि यहाँ पर अभी कोई तैयारी नहीं दिखाई दे रही है। कैमरामैन योगेश राव के साथ